तो आइए देखते हैं वी कून ब्लेंडर या ट्विन सेल ब्लेंडर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग मटेरियल को लोड करेंगे और इनको क्लोज कर दिया गया है। क्लोज करने के बाद हम इसमें स्टार्ट करेंगे रोटेशन। जब रोटेशन स्टार्ट करते हैं तो इसमें दो फेज आती पोर्शन है। यहाँ पे देखिए मटेरियल क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, डिवाइड। तो मटेरियल अभी डिवाइड हुआ इसलिए क्योंकि आपके जो दोनों मटेरियल जो लोअर पोर्शन में थे वो दोनों आर्म्स में डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको डिवाइडिंग बोलते हैं। और फिर नेक्स्ट जब रोटेशन होगा, अब ये जो स्टेज है ये फिर क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। ठीक, तो डिवाइड और कंबाइन, ये दो स्टेप इसमें चलते हैं। और ये जो डिवाइड और कंबाइन है, ये डिवाइड और कंबाइन रिपीटेटेड प्रोसेस है। ये प्रोसेस बार बार होता है तो लास्ट में हमको क्या मिलता है, होमोजी।